भारत में नशाबंदी अभियान बहुत जोरों से शुरू है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नशीले पदार्थ चलाने के लिए दुकान के लिए परमिशन सरकार ही दे रही है। ऐसी ही घटना मेरे गांव के नज़दीक खैरी दीवान इस गांव में घटी है, जहां पर देशी दारू की दुकान शुरू की गई है, जिसके कारण महिला और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के मन में असुरक्षितता की भावना निर्माण हुई है। शेतामध्ये दारू पिऊन कसे लगवीला बसतात, कसे चढतात, कसे बोलतात, संडासकडे जातात, आमच्या वावरात येऊन म्हणजे कसे घाणघाण बोलतात, आम्हाला त्रासच खूप आहे वावरायच्यापासून। हो, म्हणजे आमच्या गावात देशी दारूचे दुकान सुरू झाल्यामुळे खूपच अफायदेकारक आहे। आणि म्हणजे आम्ही जेव्हा त्या दारूपट्टीच्या सामोरून जेव्हा कॉलेजला जात असतो तेव्हा तिथून इतकी भीती असते, म्हणजे कोणी काही म्हणणार तर नाही, म्हणजे दारू पिणारे लोक काही म्हणणार तर नाही अशी भीती असते। आणि पौळीला आम्ही जात असतो त्यामुळे बसमध्ये तर खूपच त्रास होते। बसमध्ये चढताना बसस्टॉपवर दारू पिणारे लोक असतात, ते आम्हाला बसमध्ये चढू देत नाही आणि आपणच म्हणजे हा करतात, त्यामुळे आम्हाला खूपच त्रास होत आहे। तर मुली असं म्हणतात की शाळेत आम्ही शिकतच नाही, असं मुलींसमोर प्रश्न निर्माण झालाय की शाळा शिकावं की घरी राहावं। आता सरकारने एकच सांगावं आम्हाला की आमच्या मुलींनी शाळा शिकावे का घरीच बसून राहावे। 26 जनवरी 2013 को खैरी दीवान के 575 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इन्हें पत्र लिखा और गांव से दारू बंद करने के लिए अपील की। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि खैरी दीवान ये गांव मेरा कार्य क्षेत्र है और इस गांव में मैं 5 साल से आ रही हूँ। जिस तरह की भावना यहाँ पर महिला और लड़कियों में आई है, उस तरह की भावना मेरे मन में भी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस गांव से देशी दारू की दुकान बंद हो। इसके लिए भंडारा ज़िला कलेक्टर इन्हें 071484-2545-55 इस नंबर पे कॉल करके दबाव लाए और यहाँ से देशी दारू की दुकान बंद हो। मैं फरहाना अली, खैरी दीवान, भंडारा ज़िला, महाराष्ट्र से, इंडिया अनहर्ट के लिए।